भाई और बहन ने उस वक्त में बहुत ही ज़्यादा दुख और सदमे से दो चार हूँ। कहना तो नहीं चाहता हूँ लेकिन कहना पड़ रहा है कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हमारी तमाम तवक्कुआत हवा हो गई, हमारी सारी खुशियों को गहन लग गया है और अब दुआ के सिवा दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं बचा सकती। तो भैया बात सारी इतनी है, जुलाई का महीना है, ना कोई पेंडेमिक में इतना कोई मसला है, ना कोई नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, फिर भी महीना मनहूस है। अब महीना मनहूस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लॉन्डो का कटना शुरू हो गया। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये लड़कियों को भाई को अगर बोर हो रही तो कोई एक्टिविटी ढूंढो, लॉन्डो का क्यों काट रही हो? अभी पेंडेमिक खत्म होगा फिर आ जाओगी कि भाई मुझे सॉरी मुझे माफ कर दो। तो यार बात सारी इतनी है कि कटने के बिजनेस के सबसे रिसेंट विक्टिम जो आए हैं हमारे आसिम भाई आए हैं। अब आसिम भाई जो है लाख वो अनटैलेंटेड हो, लाख वो ऑटोट्यून के मालिक हो, लेकिन भैया जहां जहां जिस जिस लौंडे का कटेगा हम उसकी सपोर्ट में खड़े होंगे। प्यार के मैदान में जो जो घोड़ा डाउन होगा उस सबको हम सपोर्ट देंगे। अब बहैसियत एक मर्द वीडियो शुरू करने से पहले आसिम भाई के लिए पैगाम एक मेरा। अब तुम लोगों की तरह मुझे भी लगता था कि आसिम भाई का कभी नहीं कट सकता, क्योंकि आसिम भाई थोड़ी ऊंची फ्लाइट है, वो थोड़ा ऊपर से आते हैं, उन्होंने फंसाई भी हानि आमिर थी। वैसे मैच कोई था नहीं लेकिन चलो फिर भी फंसाई भी थी। आसिम भाई से हम लोग इतने टाइम तक जलते रहे कि कोई मैच नहीं है तुम्हारा यार, ये क्या मतलब मजाक है। लेकिन आज जब मैंने ये इंटरव्यू देखा, ये व्लॉग चल रहा था यहाँ पे आयमा बेग बाजी का और हानिया बाजी का, और देख के मतलब जब मैंने सुना कि हानिया बाजी ने कहा कि आसिम भाई उनके सिर्फ दोस्त हैं, तो मेरा भी वही रिएक्शन था जो आयमा बाजी का था। भैया माना कि हमारी पूरी जिंदगी लॉन्डो में गुजर रही है, हमारी दोस्ती सिर्फ लॉन्डो के साथ है, लेकिन दोस्ती और प्यार में फर्क हमको पता है। हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, हमने देखा है दोस्त जो होते हैं ना गले मिलते हैं वो ऐसे मिलते हैं, बीच में गैप होता है हवा जाने की, ऐसे एकदम यूं नीचे पक्के मिलते बिल्कुल गले। अब आसिम भाई का तो पता नहीं कि उन्होंने हानिया बाजी पे कितना खर्चा किया था, कितना उनको अपनी गाड़ियों में ले लेके घूमे थे, लेकिन भाई इतना तो पता चल चुका है कि बाजी ने उनका काट दिया, उनको फ्रेंड जोन करके कर दिया साइड में। इस बात से भाई एक चीज तो साबित हो गई है कि तुम चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, तुम्हारी औकात लड़कियों के सामने एक ही है। अब तुम चाहे आसिम अजहर हो या गली के कोने पे बैठे हुए गुल्लू, तुम्हारी औकात लड़की के सामने एक ही रहेगी, वो आएगी तुम्हारा काटेगी और चली जाएगी, और फिर तुम चार महीने गम में पड़े रहना कि भाई वो मेरा काट के चली गई। अब चूंकि हम सबको पता है कि हानिया आमिर सिंगल है, उनका किसी के साथ कोई टांका नहीं बढ़ा हुआ, तो हानिया आपसे एक सवाल था, अम्मी को भेजूं घर पे रिश्ते के लिए? अब हमें आसिम भाई के रिप्लाई का बड़ा बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। हानिया बाजी ने तो कहा कि वो मेरा सिर्फ दोस्त है, मेरा उससे कोई गेम वेम नहीं चल रहा था, हालांकि उन्होंने इंस्टाग्राम से अपनी आसिम अजहर के साथ सारी तस्वीरें डिलीट कर दी हैं, तो हमें तो पता है बेवकूफ तो है नहीं। लेकिन अब हमें आसिम अजहर भाई का भी जो है ना यहाँ पे स्टेटमेंट सुनना पड़ेगा कि वो इन सबसे कैसे कोप अप कर रहे हैं। अब कटने कटाने का सिलसिला मेरे भाई यहाँ खत्म नहीं होता है। डेविल इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप के ऊपर हमारे एक हारिस भाई हैं, वो अपने दोस्त सुलेमान भाई से डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे एक लड़की ने जो उनकी सेटिंग थी उन्होंने उनका सिर्फ सराइकी होने पे काट दिया। मतलब लड़की को लगता था कि वो सराइकी है तो वो सिर्फ चिंची चलाता होगा। भाईजान के पास बंगला भी था, गाड़ी भी थी, पैसा भी था, उसको लेके ग्रैंडी में घूमते थे अपनी वो, लेकिन फिर भी लड़की उनका काट के चले गए। इससे आप पता लगा सकते हैं कि लड़कियां कितनी बावली हुई हैं यहाँ पे। मतलब सिर्फ लड़की चाहती थी कि मेरे बच्चे सराइकी ना हो, इसीलिए मैंने जो है उसका काट दिया। भाई प्यार की कोई बाउंड्री नहीं होती, इनको कौन समझाए अब? अब जो लड़कियां लॉन्डो का काट के चली जाती हैं सिर्फ इस वजह से कि वो सराई की हैं या उनके पास पैसा नहीं है या उनके पास गाड़ी नहीं है, तो उनके लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, निकाल पहली फुर्सत में निकाल। साहिल बेखरे हो तुम्हें क्या गम, चले जाना।